कोरोना महामारी हम देख रहे हैं स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आज मैं आपको इसी महामारी से बचने के लिए एक और बात बताने जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे और आज इसी क्षण से फॉलो भी करेंगे। और ये जो बातें मैं आपको बताता हूं, ये मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं, अपने एनालिसिस से बताता हूं। ये सुबह 7 से 9 जो मैं आपको जगाने के लिए सड़कों पे उतरता हूं, उसके बाद सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हम कोरोना के पेशेंट्स देख रहे हैं, कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट्स एज वेल एज कोरोना के कन्फर्म्ड पेशेंट, और उनको भगवान की दया से अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और आज जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आज ये वायरस हमारे एयर में फैल चुका है, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको सिम्टम नहीं है, लेकिन वो कोरोना के पोटेंशियल एक तरह से कैरियर्स हैं। वो बिना मास्क लगाए सड़क पे घूम रहे हैं और उनके मुंह से निकले हुए वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल वो एरोसोल के रूप में हमारे एयर में हैं। तो इसलिए अगर इस अज्ञात शत्रु से आपने बचना है तो आज आपका भगवान आपके मंदिर में मास्क के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए, और जब आप घर से बाहर जाएं तो वो भगवान जो है आपके ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में लग जाना चाहिए, और ये तभी उतरना चाहिए जब आप घर में वापस आ जाएं। ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, यदि आप बाहर गए और इस एयर में वायरस के पार्टिकल्स हैं, वायरस के कण हैं, वो वायरस है, और आपने मास्क लगाया हुआ है, तो आपकी 90% तक सुरक्षा हो सकती है। लेकिन यदि आपने मास्क नहीं लगाया तो आप बहुत बड़े रिस्क में होंगे। तो बाहर चाहे आप किसी काम से जाएं, जरूरी काम से जाएं, या सुबह घूमने के लिए जाएं और आपको कोई आदमी नजर ना आए, तब भी आपको अपने मास्क को नहीं हटाना है। इस समय हमारा भगवान ये कपड़े का छोटा सा टुकड़ा जिसको हम मास्क बोलते हैं वो है, उस पर पूरी श्रद्धा रखिए और अनुशासन से उसको अपने से चिपकाए रखिए। अगर आपने इसके साथ जरा सी भी असावधानी की या इसको लगाने में जरा सा भी आपने आलस दिखाया तो आपको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ तो कुतर्क चलते हैं कि वायरस का साइज ये है, मास्क का साइज ये है, तो ये रोक नहीं पाएगा। तो इन सब कुतर्कों में आपने नहीं जाना। वायरस अकेले ट्रेवल नहीं करता, वो एक तरह से ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो वो आपके मास्क के थ्रू अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, इसकी बहुत अधिक संभावना है। साथ में आप रुमाल बांधते हैं मास्क के रूप में, तो उसमें भी एक बहुत एहतियात आपको बरतनी है, क्योंकि अक्सर हम रुमाल बांध करके 1 घंटा बाहर जाते हैं, कुछ सब्जी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, फिर घर लौट के आते हैं और आकर के जो है अपने रुमाल को अपनी जेब में डाल लेते हैं। उसके बाद फिर उसी रुमाल को निकाल करके आप जब दोबारा बाहर जाते हैं तो जो बाहर का हिस्सा होता है उसको आप अंदर बांध लेते हैं। जानते हैं ये करके आप सीधे वायरस, बैक्टीरिया या डस्ट के वो पार्टिकल जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं थे, वो आपने पहले बाहर उसको चिपकाया और अगली बार उसी बाहर की सरफेस को आपने अंदर करके सीधे उनको अपने मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू शरीर में प्रवेश दे दिया। तो ऐसा ना करें। जो मेरी बहनें चुन्नी लपेटती हैं या जो मेरे भाई अंगोछा लपेटते हैं वो भी संभल जाएं, क्योंकि अंगोछा और चुन्नी में ये संभव ही नहीं है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि पहले कौन सा हिस्सा बाहर था कौन सा अंदर था। देखिए ये महामारी अभी कुछ महीने और चलनी है, तो इसलिए आप मास्क की आदत डाल लीजिए, चाहे वो मास्क कपड़े का क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही सावधानी से, बड़े अनुशासन से मास्क का प्रयोग शुरू कर दीजिए। इस महामारी से यदि हमें कोई बचाएगा, ये जो भगवान बचाएगा, ये हमारे पास आज इस मास्क के रूप में है, ये भगवान है हमारा, आज जान लीजिए, ये मास्क आपका भगवान है। इस भगवान के साथ बिल्कुल भी अनुशासनहीनता नहीं करना, नहीं तो इसकी बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। वायरस हवा में है, आज आपको चिकित्सक नहीं बोलेंगे, आज आपको हो सकता है मीडिया ना बोले, सरकार भी ना बोले, क्योंकि आप पैनिक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही बात बताना मेरी ड्यूटी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताने के साथ मैं आपको उसका उपाय भी बता रहा हूं कि एयर में वायरस है, लेकिन आपने मास्क लगाया तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि अभी कुछ नहीं मालूम है और आप मास्क बिना निकलते हैं तो शायद उसका हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक नया शब्द हर्ड इम्यूनिटी सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक आपसे कह रहे हैं कि बाहर जाइए, आप वायरस से एक्सपोज होइए, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, आपका सुरक्षा एक कवच बन जाएगा, इसे हर्ड इम्यूनिटी जो बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी। लेकिन भैया आप बाहर निकलेंगे
डेफिनेटली हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी, लेकिन किस कीमत पे? 100 में से 2 से 3 लोगों को मार करके। यानी कि आप बाहर निकले और निकल करके आप युवा हैं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके बड़े, आपके अपने माँ बाप, आपके अपने प्यारे नाना नानी, दादा दादी, आपके छोटे छोटे बच्चे, 2-2 महीने और 1 साल के बच्चे, अगर उनको हमने हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बाहर निकाल दिया, तो आप समझिए कि हर 100 में से 3 लोगों को खो करके, 3 लोग कौन से? आपके अपने माँ बाप, आपके अपने भाई बहन, उनको खो करके अगर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप की, तो ये बहुत महंगा सौदा है, तो इसे हम नहीं अफोर्ड कर सकते। प्लीज आप हार्ड इम्यूनिटी को दुस्साहस दिखा करके डेवलप मत कीजिए। आप सारे प्रिकॉशंस लीजिए, और सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी, क्योंकि अब वायरस हमारा एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुका है, थोड़ी बहुत चूक होगी, वायरस इतनी मात्रा में अंदर जाएगा कि आपका एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप कर जाएगी, लेकिन दुस्साहस करते हुए बाहर आकर के हर्ड इम्यूनिटी को इंटेंशनली डेवलप करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये बहुत महंगा सौदा साबित होगा। और साथ में प्लीज, जो हमने अपने पहले वीडियो में आपको 10 बातें बताई हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। वो आपके लिए आज की लक्ष्मण रेखा है, ध्यान रखिए। लक्ष्मण रेखा को हमारी देवी सीता, हमारी माँ सीता ने लांगा था, उसके बाद उनको भी भुगतना पड़ा था, तो ध्यान रखिए, इस लक्ष्मण रेखा को लांगने की कोशिश मत करना।